नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। ह्यूंडई वर्ना का SX वेरिएंट अभी आप ये देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल वेरिएंट है और एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी के साथ में आता है। SX वेरिएंट सेकंड टॉप मॉडल, आज हम देखेंगे SX मॉडल के अंदर फीचर्स आपको क्या मिलते हैं और गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग आपको कहाँ तक पड़ती है। तो की अगर आप देखें ना, तो SX में कुछ ऐसी की आपको मिलती है, स्मार्ट की है गाड़ी के अंदर। लॉक ऑन लॉक के बटन से होल्ड का बटन है, जिसे अगर आप दबा के रखेंगे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, और ये बूट खोलने का बटन है। ओवरऑल प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में इसकी एक ही आती है, एडवांस फीचर्स के साथ में आती है, मॉडर्न लुक्स के साथ में आती है। और खास करके जो SX वेरिएंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। खास करके पीछे की तरफ से गाड़ी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक्स के साथ में आती है। ओवरऑल अगर आप गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी गाड़ी लगती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये लगती है। कंप्लीटली कनेक्टेड DRL से आपके पास में, कनेक्टेड में लाइट्स है सामने की तरफ आपके पास में, 4 इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स भी आपको सामने की तरफ भी मिलते हैं SX वेरिएंट में। कंप्लीटली LEDs में लाइट्स है, टर्न इंडिकेटर्स है, और सामने से एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिकली लुक्स के साथ में गाड़ी यहाँ पर जो कुछ है आपको देखने को मिलती है। ऊपर अगर आप देंगे ना, तो SX में आपको सनरूफ भी मिल जाती है, और साइड में अगर आप आएंगे ना, तो व्हील्स इसमें मल्टी स्पोक में दिए गए हैं, डायमंड कट में अलॉय व्हील्स आते हैं। 16 इंच के ये व्हील्स है। यहाँ पर साइड प्रोफाइल से अगर आप देखते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा कट्स एंड क्रीजेस है डोर्स के ऊपर, जिससे कि स्पोर्टी लेवल का फील आपको मिलता है। मिरर जो है ना, काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक है, इलेक्ट्रॉनिकली आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, जैसे कई सारे एडवांस लेवल के फीचर है। और इस वेरिएंट के अंदर ना आपको 6 एयरबैग्स मिलती है। बाकी पीछे का लुक काफ़ी शानदार लगता है गाड़ी का। पीछे जो है ना, 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पीछे के व्हील्स में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, सामने इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टेल लाइट्स अगर आप देखेंगे ना, पीछे के कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो रिवर्स कैमरा है आपके पास में, 4 इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स है पीछे, और एक तरीके से गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छे लेवल का आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे ना, तो शार्क फिन भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। बूट अगर हम इसमें खोल कर देखेंगे, तो 528 लीटर्स का बूट स्पेस आपको वर्ना के अंदर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। अंदर आपके पास में कम्प्लीटली स्पेयर व्हील टूल किट वगैरह ये कुछ यहाँ पर मिल जाती है। हम इसे अभी क्लोज करते हैं, और साइड में अगर आप आएंगे, तो ये कुछ कम्प्लीटली इसका साइड का प्रोफाइल है। साइड से जो है ना, काफ़ी एक लाइन्स आप देख सकते हैं, कट्स एंड क्रीजेस देख सकते हैं, काफ़ी शानदार ये लगते हैं। पैनल्स अगर आप देखेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक्स के साथ में आते हैं। ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश आपको एक तरीके से यहाँ पर दी गई है। और इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे ना, तो डुअल टोन कलर फिनिश के अंदर ही आता है, ब्लैक और बेज का ट्रीटमेंट है यहाँ पर। सॉफ्ट टच फिनिश आपको थोड़ी बहुत दी गई है, नीचे ग्लास होल्डर्स के लिए भी जगह आपको मिलती है, और स्पीकर्स का सिस्टम है। सीट्स अगर आप देखें, तो फैब्रिक में सीट्स आपको यहाँ पर दी गई है, 2 इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम इसमें अंदर की तरफ बैठेंगे ना, तो आइए अंदर की तरफ बैठते हैं। स्पेस और गाड़ी में जो कंफर्ट है ना, ये काफ़ी अच्छा है पुराने वरना के मुकाबले। यहाँ पर कम्प्लीटली पैरों को स्ट्रेच आउट भी आप कर सकते हो अंदर की तरफ। पीछे के पैसेज के लिए AC के वेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, 2 टाइप सी के पोर्ट्स है फ़ोन को चार्ज करने के लिए, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस भी आपको मिल जाती है। पीछे थोड़ी बहुत स्पेस है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो ग्रैब हैंडल से, लाइट्स के लेटर से भी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। पीछे की तरफ से फ्रंट का व्यू जो है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है, ब्लैक बेज का ट्रीटमेंट है कम्प्लीटली। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आपको SX वेरिएंट के अंदर मिल जाएगा। और सेकंड टॉप मॉडल में भी ना, आपको कम्प्लीटली 6 एयरबैग्स यहाँ पर दी गई है, तो सेफ्टी के मामले में ये वेरिएंट काफ़ी अच्छा है। तो ऑटोमेटिक की भी बैजिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, ऑटोमेटिक वेरिएंट अगर आप गाड़ी में लेंगे तो। यहाँ पर अगर देख सकते हैं, कीलेस एंट्री है ड्राइवर साइड डोर के ऊपर कम्प्लीटली। और इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे, तो ये कुछ कम्प्लीटली इंटीरियर है गाड़ी का, काफ़ी ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर कम्प्लीटली फोल्डेबल OVMs के कंट्रोल है। यहाँ पर 1 टच अप डाउन विंडो है ड्राइवर के लिए, एक तरीके से एंटी पिंच सेंसर्स के साथ में आती है। 2 ग्लास होल्डर्स के लिए जगह है, स्पीकर्स का सिस्टम है, ट्विटर्स आपको ये यहाँ पर मिलते हैं डोर्स के ऊपर। इंटीरियर ये कुछ है गाड़ी का। सीट्स अगर आप देखेंगे, तो फैब्रिक में सीट्स आपको यहाँ पर दी गई है, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन भी सीट्स को आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे है आपके पास में फ्यूल लिड खोलने का ओपनर है, और पीछे का बूट खोलने का भी ओपनर आपको यहाँ पर मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो पैडल्स है, ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर क्या कंट्रोल्स है, स्टेबिलिटी कंट्रोल का फंक्शन है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है, हेडलाइट्स के लेवल ऊपर या नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रंट बोनेट खोलने का भी लीवर है यहाँ पर, और थोड़ा एक अलग ही लेवल का टेक्सचर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको इस तरफ ये मिलता है। गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं, कुछ ऐसा फील है, कम्प्लीटली फ्लैट डैशबोर्ड है, तो विजिबिलिटी के मामले में कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा एक सॉफ्ट टच फिनिश आपको जरूर डैशबोर्ड के ऊपर मिलता है। क्वालिटी वगैरह जो है ना, गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लेवल की आपको मिलती है। थोड़ा सा स्टिचिंग वाला भी फील आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट के कंट्रोल जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं, ऊपर या नीचे तो कर ही सकते हो, अंदर और बाहर भी आप इसे कर सकते हो, टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट आप इसे कर सकते हैं। स्टिचिंग आपको यहाँ पर दी गई है, लेदर रेट में आता है। हॉर्न कुछ इस प्रकार से है, इस
तरफ अगर आप देखेंगे ना तो अंदर जो MID आता है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, उसे आप इन बटनों के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। और इस तरफ जो आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये म्यूजिक सिस्टम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, फोन उठाने के, काटने के, वॉइस कमांड के, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के कंट्रोल सभी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप इसका स्पीडोमीटर देखते हो ना तो कंप्लीटली डिजिटल में स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर इसका दिया हुआ है, कंप्लीटली डिजिटली आपको ये शो करेगा। RPM मीटर ये कुछ इस प्रकार से आपको बताएगा। इस बटन के जरिए जो है ना आप MID को कंट्रोल कर सकते हो। आइए देखते हैं अंदर क्या फीचर्स ये दिखाता है। टायर प्रेशर आपको ये बताएगा कितना है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, आइडलिंग टाइम वगैरह बताएगा, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन के बारे में सभी जानकारी आपको बताएगा, कितना फ्यूल बचा है, इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर तक कार चल सकती है, ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे फंक्शन आपको ये शो करेगा, ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर लाइट्स, डोर कन्वर्सेशन, ये कुछ सभी फंक्शंस आपको बताता है। ये कुछ फंक्शंस है जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल के भी कंट्रोल्स आपको ये यहाँ पर इसके मिल जाते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। म्यूजिक सिस्टम अगर आप देखेंगे ना गाड़ी का, 8 इंच का स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 2 ट्वीटर्स और 4 स्पीकर्स इसमें आते हैं, 6 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है। अगर आप ऑल मेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पर सभी फंक्शंस अगर आपको ये देखने के लिए मिलता है। मीडिया के रिलेटेड सभी कंट्रोल से मीडिया और रेडियो वगैरह आप यहाँ से चला सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे साउंड्स के रिलेटेड सेटिंग्स से साउंड की जो पोजीशन वगैरह है, इक्वलाइजर वगैरह जो है ये यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। डिस्प्ले में अगर आप जाएंगे तो डिस्प्ले के अंदर ब्लू लाइट, ब्राइटनेस वगैरह जो होता है वो यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। डिस्प्ले को अगर आपको बंद करना है ना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एसी वेंट्स एक तरीके से यूनिक डिज़ाइन में आपको दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना नीचे एसी के रिलेटेड से भी कंट्रोल से आपके पास में, आपको अगर एसी को चलाना है या फिर म्यूजिक सिस्टम को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस बटन के जरिए। नीचे आपके पास में टाइप सी का पोर्ट है, 12V का चार्जिंग पोर्ट भी आपके पास में है यहाँ पर, और USB का भी पोर्ट है यहाँ पर, वायरलेस चार्जिंग का पैड है यहाँ पर। ये कुछ इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैनुअल का भी ऑप्शन आपको मिलता है। सामने की तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो फ्रंट पार्किंग सेंसर का ये बटन है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको बंद करना है ना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसी के सामने है रिवर्स पार्किंग का बटन है, तो यहाँ पर आप रिवर्स कैमरा भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे मतलब विजिबिलिटी वगैरह आपको यहाँ पर मिलती है, थोड़ा सा जूम करके बताते हैं आपको। तो किसी ऑप्टिकल को अगर आपको जूम करना है ना तो वो भी आप यहाँ पर करके देख ही सकते हो। ड्राइविंग मोड्स भी आपके पास में, ड्राइविंग मोड्स में कौन कौन से मोड्स है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड है, इकोनॉमी मोड है और नॉर्मल मोड है, ऐसे 3 मोड्स आपको यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स के अंदर इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सेंटर में अगर आप देखें तो हैंड ब्रेक है और थोड़ी बहुत स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है, ग्लास होल्डर्स के लिए जगह है, और एडजस्टेबल एक तरह से हैंड रेस्ट आपके पास में जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और काफ़ी डीप है, एक तरीके से अच्छी खासी स्पेस आपको इसमें मिलती है। और डैशबोर्ड जो है ना सही लगता है, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है इसका। एम्बिएंट लाइटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग भी इस वाली वेरिएंट के अंदर आपको मिलती है, और ग्लो बॉक्स है जिसमें थोड़ी बहुत स्पेस है, कूलिंग का भी सिस्टम आपको इसके अंदर ये कुछ मिल जाता है। ऊपर है आपके पास में इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू मिरर है, यहाँ पर है आपके पास में सनरूफ खोलने के सभी कंट्रोल्स है, LEDs में लाइट से कम्प्लीटली आपके पास में सनरूफ अगर आपको खोलना है तो यहाँ पर आप खोल सकते हो कम्प्लीटली, सनरूफ भी आपको यहाँ पर मिल ही जाती है, इसे आप कम्प्लीटली यहाँ तक पीछे तक खोल सकते हो। वैनिटी जो है ना इसमें आपको मिरर भी मिल जाता है और एडजस्टेबल नहीं है ये, इतनी जगह ये छोड़ देता है, तो एक्सटेंडेबल ये होना चाहिए था, ये फंक्शन नहीं है इसमें। ड्राइवर के लिए वैनिटी और मिरर दोनों ही आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये कुछ इंटीरियर है दोस्तों SX वेरिएंट का। अगर मैं आपको इसका फ्रंट बोनेट खोल के दिखाऊं, आइए फ्रंट बोनेट गाड़ी का खोलकर देखते हैं। गाड़ी के अंदर टोटल 2 इंजन के ऑप्शन है, 1.5 MPI पेट्रोल और टर्बो GDI पेट्रोल का भी ऑप्शन है। अभी फिलहाल आप ये MPI पेट्रोल देख रहे हैं, तो इंजन का लेआउट आप देख सकते हैं, बोनेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ऊपर की तरफ कम्प्लीटली डैम्पनिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलती है। ये इसका 1500cc 4 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन है जो कि 115 PS की पावर बनाता है, 20 KMPL का माइलेज आपको इसके अंदर मिलेगा। टर्बो GDI पेट्रोल का भी आपके पास में ऑप्शन है जो कि 160 BHP की पावर बनाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है, मतलब सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर वो इंजन आपको देता है। तो दोस्तों ऑन रोड प्राइसिंग की अगर हम बात करें इस वाले SX वेरिएंट की, तो 1,50,000 रुपये तक का ऑन रोड ये वेरिएंट आपको पड़ता है मैनुअल में MPI पेट्रोल इंजन के साथ में। अगर आप इस वेरिएंट को ऑटोमेटिक में लेंगे ना तो 17 लाख रुपये तक का ये ऑन रोड आपको पड़ता है। अभी ये ऑटोमेटिक वेरिएंट ही आपने देखा तो 17 लाख रुपये तक का ऑन रोड ये वेरिएंट आपको पड़ता है ऑटोमेटिक में, मैनुअल में 1550 का आपको ये पड़ेगा। बाकी ये कुछ था दोस्तों Hyundai Verna SX वेरिएंट के बारे में। SX वेरिएंट आपको कैसा लगा आप हमें नीचे जरूर कमेंट्स में बता सकते हैं, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।